तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए, पर मुझे पता है आपके अंदर मेल ईगो बहुत ज्यादा है। तुम पागल है क्या? अब तुम पार्ट ट्रिम। तो जी हाँ भाई, आज बात करते हैं माइटी राजू के बारे में। मेरा मतलब रजत दलाल। तो कैरी मराठी ने उसको एक रोस्ट वीडियो बनाई थी और भाई को बुरा लग गया, भाई हो गया ऑफेंड। तुम सोच रहे हो तुम 28 साल के हो चुके हो, 28 साल के मर्द हो तुम, और तुमको दूसरे के रोस्ट वीडियो से बुरा लग रहा है। तुमको किसी ने छपरी बोल दिया से तुमको बुरा लग गया भाई, तुम उसको गाली बकरो इंटरनेट पे आके। बंदा इंस्टाग्राम लाइव में आके गाली बकरा कैरी को। भाई कैरी होगा 21-22 साल का और ये बंदा है 28 साल का। दिमाग क्या फेंचो, दिमाग है ही नहीं क्या? और मुझे बता दो रजत भाई, कितनों की वीडियो हटाओगे? 100 वीडियो बनने वाली है अब तो, कितनों की वीडियो हटा दोगे? आ जाओ बेंचो मेरे घर में भी, इससे पता लग जाएगा इंसान कितने अपनी बॉडी बना ले लेकिन दिमाग से भाई छोटा ही रहता है। तो भाई बहुत जगह से मेरे पास एक वीडियो आ रही है कि एक 5 वोल्ट बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। उस चूतिए का नाम है कैरी। मैटी की मां क्या सही में माइटी राजू है? और कैसी सी आवाज है भाई इसकी यार, इतनी बच्चों ऐसी। कैरी कैसे बोल रहा है मेरे बैंक ऐसे कौन बोलता है यार? मतलब तुम कितने अंदर से खोखले हो भाई कि तुमको छोटी छोटी सी रोस्ट वीडियो पर ऑफेंड हो रहे हो। और कैरी ने तो कुछ रोस्ट भी नहीं करा, कैरी ने तो कुछ खास बोला भी नहीं भाई, धमकी दे रहा भाई सामने से आके, वीडियो हटा दे, सॉरी बोल। ये देखना को रह गया यूट्यूब में बैंक, ये दो पार्टी के गुंडे आगे भाई सबको धमकाते रहेंगे, वीडियो कैसे बना दिया, वीडियो हटा दे। भाई को हमारे जेल से भी डर नहीं लगता, बहुत बढ़िया। इसके भी 1 मिलियन फॉलोअर्स है, कितने गवार है मतलब दुनिया में यार। कोई कंटेंट, कोई टैलेंट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस पागलों की तरह इससे नया लफड़ा उससे नया लफड़ा, लोकेशन भेजे लोकेशन भेजे। क्या हुआ था आखिरी में, पुलिस आगे थी निकल गए थे, फिर से वही होने वाला है। पूरा यूट्यूब का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, किसी ने वीडियो बना चलो गाड़ी चले जाते उसके मारने के लिए। वो मैं उतर, आप रियल लाइफ बनाओ, हम रियल लाइफ में आपका भीम बनाएंगे। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड हुआ, प्लान हुआ, फिर तो रजत भाई और शर्मानी चाहिए आपको। बंदे ने वीडियो में छपरी बोला है बस, माइटी राजू बोल दिया, कोई इस पे कैसे ऑफेंड हो सकता है भाई? तुम्हें कितना कम बुद्धि लगाना पड़ेगा इसके लिए? बंदे ने गाली रखने वाला तुमको यार, 10 मिनट की वीडियो में 2 मिनट बात करी भाई ने इसके बारे में, भाई को बुरा लग गया, आग लग गई इनके अंदर यार। हम असली मर्द है, हम ये हम दो गाड़ी का मजाक सह नहीं पाते, मर्द बताते हैं खुद को। इस बंदे ने सामने आगे इंटरव्यू में बोला कि मैं तो स्टूडेंट लेता हूँ, ये लेता हूँ, मैं तो असली मर्द हूँ, और भाई से 2 जोक्स आने जा रहे। इसको लग रहा सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, सामने आके बोल रहा क्या होगा, जेल ही चले जाऊंगा, मतलब डर ही नहीं है जेल वेल का। इंस्टा पे लाइव आके बोल रहा कि भाई कैसे बोल सकता तू मेरे बारे में, तूने मुझे उल्टा क्यों बोला, मैंने तेरे बात नहीं करा था आज तक। 15 वीडियो बनने वाली है, 15 घर में जाएगा क्या भाई मारने के लिए सबको? सामने से धमकी दे रहा है कैरी को कि भाई तू कभी तो कभी घर से निकलेगा बाहर, भाई तेरा दूसरा काम नहीं क्या करने के लिए? इसको मारना उसको मारना वैसे ही करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं इनके पास। जिम जाएंगे नया लफड़ा, जिम से आएंगे नया लफड़ा, टैलेंट क्या है कुछ भी नहीं है भाई, बस लड़ना आता हमको। कैरी भाई ने बनाई थी 10 मिनट की वीडियो, 2 मिनट बात करा होगा इसके बारे में, इसको उसमें बुरा लग गया भाई। माइटी राजू कैसे बोल दिया इसको लग रहा भाई, अच्छा कालिया ने बोला इससे बुरा लग रहा है भाई। पर अगर आपको गांड अपनी मेरे से ही मरवानी है तो मेरे को वो मंजूर है। तुम्हें खुद पता तुम कितनी गवारदा फैला रहे हो, किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया चलो घर पहुंच जाए, ये बंदा यही प्रमोट कर रहा है कि भाई किसी ने रोज वीडियो बना दिया चलो घर पहुंच जाओ उसको मारने के लिए। अब इंसान शांति से घर में बैठ के एक वीडियो बना नहीं सकता, 2024 आ गया और इनकी गुंडाई पंती चल रही है इंटरनेट पे आके। अब अरे रजत भाई ने पूरी वीडियो देखी कैरी की, सोचा यार अरे माइटी राजू कैसे बोल दिया भाई इसने, अब तो भाई चलो लाइव जाना पड़ेगा इंस्टा पे, चलो लाइव जाते हैं और गाली बकते अपने से 8-9 साल छोटे बच्चे को, शादी बाल बच्चे करने के बारे में बंदा लफड़े कर रहा है भाई इंस्टा पे। रजत भाई बुरा मत मानना, मेंटली अनस्टेबल हो तो भाई बहुत सारे हैं डॉक्टर यार, इलाज हो सकता है। तो भाई देख लियो जैसे तेरे को हिसाब किताब बिठाना हो, अभी प्यार से बोल रहा हूं, उसके बाद थोड़ा टेढ़ा हिसाब आएगा, ख्याल रख। इसको ना पुलिस का डर है ना इसको किसी चीज का डर है भाई, ये बंदा इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है, कैसे कह रहा है यूथ को ये भाई चलो डालो भाई सबको मार दे रहो बस, तुम ऐसे बावले इंसान खुला मत छोड़ो भाई, कहीं पिंजरे बंद कर दो यार इसको, मानसिक रूप से पता नहीं कुछ है भाई इसका, कुछ स्क्रू स्क्रू ढीला है लगता है यार। जिम में लड़ाई शुरू कर देता है भाई, अरे जिम में दूसरे लोग भी जाते हैं भाई, दूसरे ने ठेका थोड़ी लेके बैठा कि तू वीडियो बना रहा है क्या नहीं बना रहा, ये बंदा वीडियो बना रहा था उस वीडियो के बीच कोई आ गया तो बंदा उसको गाली पकड़ने लगा, तो वीडियो में कैसे आया भाई, जिम तो भाई सिर्फ मेरा है तू कैसे आया सामने। रजत भाई टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि है क्या थोड़ी सी, मेरे घर में जाओगे कितनों के घर में जाओगे ऐसे मारने के लिए भाई, कितनों को धमकी दोगे ऐसे? अच्छा था कि दिमाग में चलता है कि यार मेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा भाई, देखो देखो मैं मजाक सह नहीं पाता भाई, कोई वीडियो नहीं बनाएगा मेरे ऊपर, ठीक है जितने भी हैं सब मेरी तारीफ ही करो बस, इस तरह का दिमाग चलता है भाई इसका। 15-16 साल के बच्चे हो गए भाई, किसी ने माइटी राजू बोल दिया बुरा लग जाता तुमको यार, कैरी के घर में चले गया भाई ये 40-20 लोग लेके, इसने माइटी राजू बोला चलो इसको मारो, अरे बहनचोद। भाई मिस्टर राजू, एक बंदे ने क्रिटिसाइज करा था इनको कि भाई ये कुछ भी नॉलेज देता है, तो एक भाई ये पहुंच गया घर में उसके उसको मारने के लिए, उसकी उम्र होगी 18-19 साल और भाई हमारे हैं 28 साल के। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, इंडिया की बेरोजगारी ना भाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझसे और नहीं सहा जाएगा भाई, चुतियापा हो गया आज के लिए इतना ही, मजाक के लिए अब तुमको मारा पीटा जा रहा है भाई, हो गया बस यही देखना रह गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हर दिन वीडियो आ रही भाई तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भाई मिस्टर राजू।
Thank you.